पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइफ। आसान नहीं है बिहार में कमल की राह। जी हां, कमल की राह इसलिए आसान नहीं है क्योंकि जैसे ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है उसके बाद बीजेपी का जमकर विरोध हो रहा है। ब्राह्मण लोग जो है वो अब बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और लगातार जो विरोध है उसमें वृद्धि होते जा रही है, जिसके बाद इस वक्त बक्सर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बक्सर में विरोध किया जा रहा है बीजेपी को और उस पे बताया जा रहा है ब्राह्मण समाज के द्वारा कि वहां फिर से एक बाहरी उम्मीदवार को बक्सर में लाया गया है जिसका ब्राह्मण समाज जो है वो विरोध कर रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का टिकट काटा गया और उसके बाद एक बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है, इसे बक्सर की जो जनता है, बक्सर के जो ब्राह्मण समाज है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्राह्मण समाज है उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कहा है कि एक बार पुनर्विचार कीजिए इस पर, क्यों बार बार बक्सर को एक अलग प्रत्याशियों का सामना करना पड़ता है, क्यों बार बार बक्सर को बाहरी लोगों का जो प्रत्याशी होते हैं उन्हें दिया जाता है, आखिरकार बक्सर में ही क्यों नहीं बक्सर के निवासी को प्रत्याशी बीजेपी बनाती है, जिसके बाद अश्विनी चौबे का नाम काटने पर विरोध किया जा रहा है, किस तरीके से पुतला दहन किया जा रहा है, तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से वहां पर अश्विनी चौबे का जो टिकट कटा उसके बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को बनाया है और जैसे ही मिथिलेश तिवारी जो है बक्सर पहुंचते हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, तो आपने तस्वीर देखा कि किस तरीके से वहां पर इस वक्त विरोध किया जा रहा है, जमकर विरोध हो रहा है और साफ तौर पे जो ब्राह्मण समाज है वो चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी को, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द पुनर्विचार किया जाए क्योंकि बाहरी जो प्रत्याशी है उसे बक्सर के ब्राह्मण समाज है वो स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके बाद अब पुनर्विचार पर बीजेपी क्या कुछ करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को चेता दिया और कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द प्रत्याशी का नाम नहीं बदला जाएगा और स्थानीय प्रत्याशी नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद ये जो विरोध है वो पूरे बक्सर में देखने को मिलेगा और बक्सर के बाहरी जो क्षेत्र है वहां भी देखने को मिल सकता है और जो ब्राह्मण समाज है वो इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे और बीजेपी का जमकर विरोध करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का घोषणा किया है अब उनका विरोध भी हो रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है बिहार में बीजेपी को कमल खिला लेना और बक्सर में अब जमकर विरोध भी हो रहा है, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। बक्सर में जो ब्राह्मण समाज है वो लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदीप पांडे जो हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में बड़े संख्या में जो ब्राह्मण समाज है वो जमा हुए थे और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं को, जो दिल्ली में जो नेता बैठते हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह से आग्रह कर रहे हैं कि अश्विनी कुमार चौबे का आपने टिकट काटा लेकिन अगर टिकट काट ही दिया तो फिर से एक बार बाहरी प्रत्याशी को बक्सर के मत्थे क्यों सौंपा जा रहा है, क्यों नहीं बक्सर के लोगों को ही वो अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं ताकि वो ब्राह्मण समाज जो है वहाँ पर वोट दे सके, नहीं तो भारी विरोध बीजेपी को ना पड़ सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।